हमारे देश भारत में ई कॉमर्स को एक नई ऊंचाई पर ले जाने में फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों का बहुत बड़ा हाथ रहा है और आज शायद ही कोई भारतीय हो जो कि फ्लिपकार्ट को ना जानता हो और साथ ही साथ सचिन और बिनी बंसल के बारे में ना पता हो। पर शायद आपको उनके इतिहास और उनके बारे में कुछ ऐसी जानकारियां ना पता हो जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं मानो या ना मानो, जहां पर हम आपके लिए देश और दुनिया से जुड़ी अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय किस्से और कहानियां लेकर के आते हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमसे जुड़े रहें और हर जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचाई जा सके। 2007 में इस कंपनी की शुरुआत हुई जो कि सचिन बंसल और बिनी बंसल ने मिलकर की थी। सचिन बंसल का जन्म चंडीगढ़ में हुआ था। उनके पिता एक बिजनेसमैन हैं और उनकी माँ एक हाउसवाइफ। सचिन बंसल ने अपना ग्रेजुएशन आईआईटी दिल्ली से कंप्यूटर साइंस से किया था। आईआईटी दिल्ली में पढ़ने की वजह से उन्हें अपने करियर के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं थी। बिनी बंसल ने भी उन्हीं के साथ आईआईटी से पढ़ाई की थी और वो भी चंडीगढ़ से हैं। दोनों के बैकग्राउंड सेम होने की वजह से वह एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते थे और उनकी दोस्ती भी बहुत अच्छी थी, जो कि एक पार्टनरशिप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पढ़ाई के बाद सचिन बंसल और बिनी बंसल दोनों एक साथ अमेजोन के लिए काम करते थे, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है। अमेजोन में काम करते समय ही उन्हें खुद की कंपनी खोलने का विचार आया और अपनी कंपनी खोलने के लिए सचिन बंसल और बिनी बंसल ने एक साथ कंपनी को छोड़ दिया। यह एक बड़ा रिस्क तो था, लेकिन कहते हैं ना कि जो बड़ा रिस्क उठाने का साहस नहीं रखते वे जीवन भर कुछ हासिल भी नहीं कर सकते। सचिन बंसल और बिनी बंसल दोनों ने मिलकर 5 सितंबर 2007 को अपनी एक कंपनी खोली जिसका नाम उन्होंने फ्लिपकार्ट रखा। जब यह कंपनी आई थी तब भारत में ना के बराबर ही ई कॉमर्स कंपनी थी और जो पहले से कंपनी थी वो भी लोगों की मानसिकता के कारण फेल हो रही थी। उस समय लोगों की सोच थी कि कोई भी वस्तु बिना देखे और बिना छुए कैसे खरीदी जा सकती है। सचिन बंसल और बिनी बंसल ने लोगों की मानसिकता कैश ऑन डिलीवरी लाकर बदल दी, जो कि भारत में पहली बार हुआ था। इससे पहले भारत में ऑनलाइन साइट केवल डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पैसे लेती थी, जिस पर लोगों को भरोसा नहीं था। फ्लिपकार्ट ने 2007 में किताब बेचने से शुरुआत की। शुरू में खुद सचिन बंसल और बिनी बंसल स्कूटर से किताबों की बिक्री करने जाते थे और बुकशॉप के सामने खड़े होकर पेमेंट बांटा करते थे। सचिन बंसल और बिनी बंसल की मेहनत रंग लाई और 2008 में फ्लिपकार्ट ने 40 मिलियन की बिक्री कर दी। ऐसा देखने के बाद इन्वेस्टर्स भी कंपनी की ओर आकर्षित हुए, जिससे फ्लिपकार्ट ने बहुत सारी फंडिंग हासिल की। उसके बाद इस कंपनी ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज यह इंडिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट बनकर बैठी है। 2014 में फ्लिपकार्ट ने मिंत्रा को और भी साथ ही साथ कुछ और साइट्सों को भी खरीद लिया। 2016 में फ्लिपकार्ट की बिक्री 40 बिलियन तक पहुंच गई। इस कंपनी में 15,000 से ज़्यादा लोग काम करते हैं। आज फ्लिपकार्ट की अपार सफलता से तो समझ ही गए होंगे कि इस दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है। ज़रूरत है तो बस सच्ची लगन की, क्योंकि सच्ची लगन से जो काम किया जाए उसमें सफलता ज़रूर मिलती है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको यह जानकारी दिलचस्प और अच्छी लगी होगी। अगर यह जानकारी आपको हमारे चैनल से मिली हो तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे हमें भी हौसला मिलता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिन्हें इस बारे में शायद जानकारी ना हो, और कमेंट कीजिए इस कहानी के बारे में। अगली वीडियो तक अलविदा।